भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिजली विभाग हाय हाय, 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 बिजली विभाग हाय हाय। जो जो तारों से दनादन फॉल्ट हो रहे हैं, लो वोल्टेज से जनता परेशान है और उमस भरी गर्मी में तड़प रही है। इस बड़ी समस्या के समाधान की मांग उपमंडल फतेहपुर की ग्राम पंचायत अटवाली के वार्ड नंबर 4 कस्बा नगौ से उठने लगी है। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं पर समस्या का समाधान नहीं। लो वोल्टेज जर्जर तार के कारण दनादन फॉल्ट की समस्या से निजात दिलाने के असफल रहा है। स्थानीय ग्रामीण रवि कुमार, संतोष कुमारी, सपना, सीतो देवी, कमलेश साबो, कमला, दर्शना, जय देवी, मीना देवी, लीला देवी, प्यारेलाल, संजीव कुमार, रोज कुमार, बलवंत, विजय कुमार, मुकेश, श्यामलाल, विशाल कुमार, प्रवेश, सतपाल, शंकर दास, रजत, सुमन, नीतू, महंगा राम आदि ने विद्युत विभाग के उपमंडल रे के प्रति नगौ में जमकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को शासन व प्रशासन को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवा चुका है, लेकिन इन लोगों को सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए आंखें मूंद कर बैठे हैं। सूत्रों की माने तो फरवरी माह में रिपेयर ट्रांसफार्मर करके नगौह में लगाया था, जो मात्र एक सप्ताह के बाद अपना दम छोड़ गया था। उस समय काम चलाने के लिए लोगों को धौलपुर के ट्रांसफार्मर से अस्थायी रूप से लाइन जोड़ी गई थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी नगौह का ट्रांसफार्मर वर्तमान समय में सफेद हाथी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नो बिजली नो बिल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर समस्या का समाधान उपचुनाव से पहले नहीं हुआ तो इसके साथ विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के उपचुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जनता विभाग के आश्वासनों से तंग आ चुके हैं। लेकिन अब 3 के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विद्युत विभाग के उपमंडल का घेराव होगा। विवेक शर्मा, सहायक अभियंता विद्युत विभाग उपमंडल रे ने बताया कि लाइन 3 फेस कर के ट्रांसफार्मर जल्द रखा जाएगा। मैं खुद कल मौके पर जाऊंगा। बिजली की इन्नी प्रॉब्लम है कि साढ़े किन्ने दिन हो गए अज्ज, साढ़े बच्चे बड़े औखे ने, असं बड़े तंग है, पानी नहीं सानू ठंडा मिलना, कुछ नहीं। अज किन्ने दिन हो गए अस पखे बिना है, बिजली दे करिए सारा कुछ साढ़ा बंद है। तो न्याणे चुप कराने सानू बड़ी भारी मुश्किल है, रातीं नूं भी तंग करदे, दुपहरा दे भी तंग करदे। पानी अस गर्मियां पीने जिहां काढ़ू पींदे ने, सॉल्व कर दिओ बस, अहीं होर कुछ नहीं बोलदे पे। अज असां की इस प्रॉब्लम विच फसे। नमस्कार, मैं ग्राम निवासी नगौ पंचायत ग्राम पंचायत टटवाली से बिलोंग करता हूं। मेरा बिजली विभाग से यही शिकायत है कि हम यहां 6 महीने से बिजली से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण हैं वो चलने में सक्षम नहीं हो पा रहे, जैसे फ्रिज, टीवी। अभी थोड़े दिनों की बात है कि हमारे जो टीवी है वो ख़राब हो चुका है, और क्या आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसके लिए मोबाइल की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से हमारे मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई में भी। इसके अलावा दिन में सोने के आपको दिन में सोने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पंखे ऐसे चलते जैसे बहुत ही धीरे धीरे स्लो में, मतलब कि ना चलने के बराबर ही लगता है। तो इस हमने पहले ही बिजली विभाग में ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 6 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी है और बार बार बोल रहे हैं कि हम करेंगे, अभी हमारे पास ये नहीं है वो, मतलब कि इस प्रकार की बातें करके वो काम को अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं बिजली विभाग से, और नमस्कार, मैं रवि कुमार, गांव निवासी नगो। हमारे यहाँ पे पिछले साल से लगभग लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि हद से ज़्यादा, कि बार बार प्रशासन को हम लोग रिटर्न में एप्लीकेशन, बाय कॉल, हर प्रकार से हमने जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश है हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ की लाइट की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। और पिछले साल से हमारा एक बार सिर्फ ट्रांसफार्मर चेंज किया, वो भी लगभग 6 महीने पहले, वो भी सिर्फ 2 दिन चला, उसके बाद ठप। और लास्ट साल से हमें हमारे पास लाइट की इतनी ज़्यादा कमी है कि हमारे फ्रिज से लेके टीवी, इलेक्ट्रिसिटी के सारे उपकरण जो बंद पड़े हैं। तो हमारा अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए बडूखर से अमरदीप सिंह की रिपोर्ट।
ਹੈ।